आज का जो ये वीडियो है ये मुझे यहाँ पर बाहर बैठ के बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लाइट अच्छा आता है। और ये जो वीडियो है ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बेस्ट बजट हेलमेट ऐसे वीडियोस आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बेस्ट बजट हेलमेट फॉर मोटो व्लॉगिंग ऐसे वीडियोस बहुत ढूंढने को शायद एक या दो मिल जाएगा आपको। सो जितने भी पॉइंट्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ वो सब कुछ मोटो व्लॉगिंग रिलेटेड होगा। अगर आप मोटो व्लॉगिंग के लिए कोई हेलमेट खरीदना चाहते हो देन कौन सा हेलमेट खरीदना चाहिए और क्यों वो हेलमेट मोटो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है, इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। सो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल, मायसेल्फ शुभ्र फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा एंड यू आर वॉचिंग एस डी मोटर राइडर। सो बाइक खरीदे हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका है और जो हेलमेट मैंने सबसे पहले खरीदा था R15 V3 खरीदने के बाद वो है ये वाला हेलमेट। ये है स्टीलबर्ट का AR SBA 2। और अगर आपको मोटो व्लॉगिंग नहीं करना है, बस आपको आपके बाइक के लिए कोई एक हेलमेट खरीदना है और आपका बजट 2500 तक है तो ये वीडियो यहीं पर छोड़ दो, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा आँख बंद करके आप ये वाला हेलमेट खरीद सकते हो, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा हेलमेट है। लेकिन इस वाले हेलमेट पर मोटो व्लॉगिंग मैं नहीं करता, उसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, इसका वाइज़र आप देख सकते हो कितना लॉन्ग है। सो यहाँ पर कोई स्पेस है नहीं जहाँ पर आप अपना एक्शन कैमरा लगा सकते हो। एंड दूसरा रीज़न है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ड्रिल करके यहाँ पर लगाते हैं एक क्लैंप एंड उस क्लैंप पे वो लोग लगाते हैं अपना एक्शन कैमरा या फिर GoPro। वो चीज़ मैं कर सकता था, ऐसा मैंने नहीं किया। पहला, ये हेलमेट मेरा बहुत ही फेवरेट हेलमेट है, सो इसके साथ कोई छेड़खानी मैं करना नहीं चाहता। एंड दूसरा रीज़न है, मैं चलाता हूँ R15 V3 जिसका राइडिंग पोजीशन है एग्रेसिव, पहले ही मुझे झुक के बैठना होता है। अभी अगर यहाँ पर मैं क्लैंप लगाऊंगा और फिर लगाऊंगा कैमरा तो कैमरा का जो व्यूइंग एंगल है वो व्यूइंग एंगल और ज़्यादा नीचे हो जाएगा एंड मैक्सिमम पोर्शन आपको दिखाई देगा बाइक का, ऊपर का जो व्यू है वो कम दिखाई देगा और वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने खरीदा एक और हेलमेट। और ये है वो वाला हेलमेट जो मैंने खरीदा था मोटो व्लॉगिंग के लिए, ये है स्टेल्थ थंडर D4। यहाँ पर है इसका वाइजर और ये रहा पैडिंग। एक्चुअली मैंने वॉश करने के लिए निकाला हुआ था, सो पहले पैडिंग एंड वाइजर को लगाते हैं एंड फिर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊँगा क्यों ये हेलमेट मोटो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट हेलमेट है। सो बहुत ही मुश्किलों के बाद वाइजर एंड पेडिंग दोनों लग चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आई बॉट दिस हेलमेट फॉर मोटो व्लॉगिंग। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए नहीं, कोई भी हेलमेट आप खरीदोगे आपको हमेशा देखना चाहिए एंड दैट इज बिल्ड क्वालिटी। सो स्टेट्स थंडर D4 का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम वाला फील देगा आपको। मैं जब व्लॉगिंग करता हूँ, मतलब मोटो व्लॉगिंग में नहीं कर रहा हूँ, ऐसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तब ये हाथ पे ही रहता है जहाँ पर भी मैं जाता हूँ और एक दो बार हाथ से गिर चुका है लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट इज लुक्स। वैसे लुक के बारे में R15 V3 के साथ स्टीलबर्ट AR SBA 2 का जो लुक है वो लुक अनबीटेबल है, इस लुक को कोई बीट कर ही नहीं सकता। लेकिन स्टट्स थंडर D4 ये भी काफ़ी अच्छा एक गुड लुकिंग हेलमेट है। नाउ थर्ड एंड मेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है स्पेस। अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हो, जिस रीज़न से मैंने ये हेलमेट को चूज़ नहीं किया था वो है इसमें स्पेस नहीं है, लेकिन स्टट्स थंडर D4 में सिर्फ स्पेस ही स्पेस है। आप देख सकते हो यहाँ पर चिन पे मैंने बनाया हुआ रखा है मोटो व्लॉगिंग सेटअप, यहाँ साइड पर भी है मोटो व्लॉगिंग सेटअप, अगर आप चाहते हो तो इस साइड पे भी कर सकते हो, टॉप पे भी काफ़ी अच्छा है। सो स्टेट्स थंडर D4 के साथ आपके प्लस वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप कहाँ पर मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाना चाहते हो, फ्रंट पे बनाना चाहते हो, साइड पे बनाना चाहते हो या फिर टॉप पे बनाना चाहते हो। मैं पर्सनली टॉप का जो व्यू है वो उतना मुझे पसंद नहीं आता, मुझे चिन माउंट एंड साइड माउंट ये दोनों पसंद है और ये दोनों ही आप इस वाले हेलमेट के साथ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका रिमूवेबल पैडिंग। इसका पैडिंग काफ़ी आसानी से आप रिमूव कर सकते हो, लेट मी शो यू, थोड़ा जोर लगाओ और बस पैडिंग निकल जाएगा। सो कभी अगर आप ट्रिप में रहोगे तो ये गंदा हो गया, सो आप आसानी से इसे निकाल सकते हो और वॉश कर सकते हो। सो ये जो पॉइंट्स मैं अभी बता रहा हूँ उनमें से मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्पेस वाला पॉइंट, और दो पॉइंट है जो मोटो व्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड उन दो पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले मुझे कुछ ले कर आना पड़ेगा, एक सेकेंड। सो दिस इज माय मोटो व्लॉगिंग माइक, इस माइक्रोफोन को मैं यूज़ करता हूँ, ये है बोया का BY M1। पता नहीं क्या खाकर बनाया था बोया वालों ने इस माइक्रोफोन को इतना लंबा वायर,
और वहीं पर काम आता है स्टर्ज थंडर D4। इसका जो लाइनर है वो भी रिमूवेबल है, ये देखो इसका लाइनर को आप आसानी से रिमूव कर सकते हो और लाइनर के पीछे काफ़ी सारा स्पेस है एंड इस स्पेस पर आप अपना बोया का BYM1 आसानी से फंसा सकते हो। सो इधर से उधर से लटकेगा ऐसा कभी भी नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से आप मोटो व्लॉगिंग सेटअप इस हेलमेट के साथ बना सकते हो। एंड अगर आपको जानना है कि बोया का BYM1 कैसा है मोटो व्लॉगिंग के लिए, देन मैंने बोया BYM1 एंड बोया की BYMM1 इन दोनों माइक्रोफोन का एक कंपैरिजन बनाया है। दोनों माइक्रोफोन को मैंने आउटडोर टेस्ट किया है, इस माइक्रोफोन के साथ मैंने बाइक को डिफरेंट स्पीड पर चलाया है। सो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो ऊपर कार्ड पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वो वीडियो रहेगा। नाउ लास्ट पॉइंट और वो है ये चिन गार्ड। ये रहा मेरा माइक्रोफोन। अगर आप इस माइक्रोफोन को हेलमेट के अंदर फंसाओगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपना माइक्रोफोन को रखोगे तो वह बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता है एंड आपका ऑडियो क्लियरली रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर आप इसको मुंह के सामने रखोगे तो भी विंड नॉइस बहुत ही ज़्यादा आएगा। बेस्ट प्लेस होता है यहाँ पर इस माइक्रोफोन को रखना, तो ऑडियो आपका क्रिस्प एंड क्लियर रिकॉर्ड होता है। एंड इस वाले हेलमेट पर यहाँ पर आपको चिन कवर देखने को मिलेगा एंड आप इस माइक्रोफोन को क्लिप के साथ यहाँ पर आसानी से फंसा सकते हो। सो आपका जो ऑडियो है वो बहुत ही अच्छा क्लियर रिकॉर्ड होगा। और ये जो चिन कवर है ये आपको बहुत ही महंगे वाले हेलमेट्स पर देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज में स्टड्स थंडर D4 के अलावा और किसी हेलमेट पर, मतलब स्टड्स के हेलमेट के अलावा और किसी हेलमेट पर आपको ये चिन कवर देखने को नहीं मिलेगा। सो ये सारे पॉइंट्स के साथ ये हेलमेट बन जाता है मोटो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट हेलमेट। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसका प्राइस क्या है। सो अमेजोन, फ्लिपकार्ट सारे जगहों पर आपको ये 1600-1700 रुपये में मिलेगा। मैंने आगरतला से ख़रीदा था और मुझे ये 1700 रुपये में ही पड़ा था। लास्ट के 3 से 4 महीने से मैं इस हेलमेट को यूज़ कर रहा हूँ मेरा मोटो व्लॉगिंग हेलमेट के तौर पर। मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी आप देख सकते हो यहाँ पर एंड ट्रस्ट मी, मोटो व्लॉगिंग के लिए अंडर 2000 ये बेस्ट हेलमेट है। क्यों बेस्ट हेलमेट है? क्योंकि अच्छा स्पेस मिलेगा आपको लाइनर के पीछे, अच्छा स्पेस मिलेगा माइक्रोफोन को फंसाने के लिए और यहाँ पर आपको मिल जाता है चिन कवर। और ये तीन ऐसा चीज़ है जो मोटो व्लॉगिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो तीनों चीज़ ये वाला हेलमेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि आपको ये वाला हेलमेट देखना है, आपको मोटो व्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं है, देन मैं कहूँगा थोड़ा अगर आप और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा और इन्वेस्ट करो। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है देन गो फॉर दिस वन हेलमेट मैन। मैं फैन हुई इस हेलमेट का, इतना ऑसम लुक आता है इस हेलमेट से और व्यू, इतना वाइड वाइजर है आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा हेलमेट है। लेकिन मोटो व्लॉगिंग के लिए सैडली ये अच्छा नहीं है। सो अभी यहाँ पर बैठ के मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो रहेगा कैसे आप इस बोया BYM1 माइक्रोफोन को स्टड्स थंडर D4 में फिक्स करोगे। सो वो चीज़ अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कल या फिर परसों नोटिफिकेशन मिलते ही फिर से वापस आ जाना ये वीडियो देखने के लिए। सो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया है आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सॉरी ये तो व्लॉग है ही नहीं अभी, एक्चुअली कहते ये चीज़ आदत हो चुका है व्लॉग। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड बाय बाय।